गाइस के डीटीएच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी एक अपडेट देने वाला हूं, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया अपडेट है। ठीक है गाइस, बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एयरटेल डिजिटल टीवी का नो सिग्नल जो आपके सामने देख रहे हैं, टीवी कोड 20001। ठीक है, ये गाइस आपके डीडी फ्री डिश या फिर आपके कोई भी डीटीएच कनेक्शन हो उस पर कई तरीके से नो सिग्नल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नो सिग्नल है ये एयरटेल डिजिटल टीवी का नो सिग्नल है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर बात करते हैं एयरटेल डिजिटल टीवी के अंदर नो सिग्नल दो तीन तरीके से आ जाते हैं। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, आपको अपने सेट बॉक्स को चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ पर जो सेट बॉक्स है इसको ओपन किया। ठीक है, तो गाइस आपको अपने सेट बॉक्स को ओपन तभी करना है जब आपकी वारंटी खत्म हो जाती है या फिर आपका सेट बॉक्स दो तीन साल, चार साल या फिर पाँच साल पुराना हो जाता है। ठीक है, अगर गाइस आपका सेट बॉक्स है जो नई कंपनी का है, यानी आपने अभी ही परचेज किया है, एक दो साल हुए, तो दोस्तों आप अपने सेट बॉक्स को बिल्कुल भी ओपन ना करें, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर डस्ट नहीं आती। ठीक है, तो गाइस हमारे पास में ये नो सिग्नल की जो प्रॉब्लम थी ये दोस्तों काफ़ी टाइम से आ रही थी, लेकिन हमने ये देखा कि जो दूसरे बॉक्स हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं इसी सिग्नल पर जो हम देखते हैं कि वहां पर वो बॉक्स चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये बॉक्स नहीं चलता। ठीक है, तो गाइस हमने इस बॉक्स को खोल के ओपन किया। ये दोस्तों बॉक्स है ना कम से कम तीन चार साल पुराना। ठीक है, तो गाइस हमने जब इस बॉक्स को ओपन किया तो यहां पर जो डस्ट थी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, उसी की वजह से दोस्तों यहां पर जो सिग्नल है वो बार बार चले जा रहे थे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो सिग्नल का इनपुट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सिग्नल का पोर्ट है ये बहुत ही ख़राब हो चुका है, इस पर जो डस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। ठीक है, तो हमने इसको ओपन किया, ये भी साफ़ कर दिया और यहाँ पर जो डस्ट जमी हुई थी वो भी हमने काफ़ी हद तक इसको साफ़ कर दिया। ठीक है, अब होता है क्या दोस्तों, जब बारिश का मौसम होता है तब क्या होगा, ये जो डस्ट होती है इन पर नमी छा जाती है। नमी की वजह से क्या होता है, इसका जो कनेक्शन होता है वो क्या है, नमी की वजह से, यानी जो पानी होता है, पानी के आपको पता ही है करंट का जो है फ्लो नहीं करने देता है, क्योंकि जो पानी होता है वो एकदम करंट को अपने आप में रोक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से क्या हुआ, ये जो कनेक्शन था इसका, जो भी कनेक्शन होते हैं इसके, वो एकदम फुली फाइनल नहीं हो पाते। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर बाधाएं आती रहती है। तो यहाँ पर हमने क्या कि इसको ओपन करके इसको साफ़ कर दिया। ठीक है, अब साफ़ करने के बाद हमें पता चला कि ये एक से दो घंटे के बाद में जब हम साफ़ कर देते हैं उसके बाद में इसका बॉक्स का जो सिग्नल है वो एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस कभी कभार आप ये जो बॉक्स होता है वो पुराना हो जाता है तो आप अपने बॉक्स को ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों ये डैमेज होने से बच जाए। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की अपडेट। ठीक है, आप अपने एयरटेल डिजिटल टीवी या किसी भी सेटअप बॉक्स हो उसको आसानी से खोल के साफ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो एकदम उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।